Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn our grammar portion, change of number, ke wahid ko kaise jama mein convert kiya jata hai. तो इसके लिए बेसिकली कुछ रूल्स हैं, तो उस रूल के हिसाब से मैं आज कोशिश करूंगा कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. हमने तो ये देखा है कि अक्सर हमें इस बात पर यकीन होता है कि किसी नाउन को हम एस लगाकर उस नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है. इसके लिए बाज़ाब्ता कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स के हिसाब से हम आज कोशिश करेंगे इनको सीखने की कि हाउ टू चेंज ऑफ नंबर्स. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज ऑफ जेंडर, बट इट इज चेंज ऑफ नंबर. हियर वी गो टू फर्स्ट लर्न इट इज रूल. पहले हम लेते हैं बैटल, तो इसको हम एड एस करेंगे, तो ब्रदर. इसको एड एस करेंगे तो बन जाएगा ब्रदर्स. ये कुछ ऐसे सिंगुलर्स हैं जिनको हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं. तो यहां पर कॉक है, कॉक्स, डॉटर, डॉटर्स, गार्डन, गार्डनर्स, प्रिंस, प्रिंसेस, पॉइट, पॉइट को हम पॉइट्स लिख सकते हैं, स्वर्ड, तो स्वर्ड को हम, जिसे हम तलवार कहते हैं, उसको हम स्वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ऑफ प्लूरल. टॉय, टॉयज, विजिटर, विजिटर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम, ये तो पहला रूल था कि रूल टू जो है वो हम कैसे सीखेंगे. रूल टू में अगर वाहिद के आखिर में या सिंगुलर के आखिर में, सिंगुलर नाउन के आखिर में जेड आए या सी एच आए या एक्स आए या डबल एस आए या एस आए, तो ज़रूरी है कि हमें इस पर ई और एस जोड़ना है, इसको कनेक्ट करना है ई और एस के साथ. तो पहला वर्ड है ए डबल एस, इसमें डबल एस आता है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं इसको लगाना है, बल्कि रूल के हिसाब से हमें जो वर्ड या जो नाउन हमें डबल एस पर एंड हो जाता है, तो इसको हम ई और एस ऐड कर सकते हैं, जैसे आस, आसिस. तो दूसरा जो है, अगर सी एच पर वर्ड खत्म हो जाए, सिंगुलर खत्म हो जाए, तो हम इसको सी एच पर बी ई एन सी एच, बेंच, बेंचेस. तो अगर एस एच पर खत्म हो जाए बुश, तो इसको बुशेस, बी यू एस एच ई एस. तो अगर बंच आ जाए, सी एच पर खत्म हो जाए, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं
bunches. तो गेस का आएगा गेसेस, ईएस लगाएंगे, लॉस LOSS, लॉस ईएस लगाएंगे लॉसेस, डिश ESH पर खत्म हुआ तो डिशेस. तो यहां पर एक और वर्ड है क्लास, क्लासेस. तो मार्च, मार्चेस. और एक और वर्ड है टैक्स, टैक्सेस. और वॉच, वॉचेस. तो ये नंबर टू, रूल नंबर टू है कि जो भी वर्ड एस पर या डबल एस पर या सी एच पर या बॉक्स पर, बी ओ एक्स, एक्स पर खत्म हो जाता है, तो जब कोई नाउन एक्स पर खत्म हो जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई और एस को बढ़ाना है. तो यहाँ पर एक और रूल जो है वो मैं आपको बताऊं. अगर सिंगुलर के आखिर में एफ या एल एफ आ जाए, सिंगुलर के आखिर में एफ या एल एफ या एफ ई आ जाए, तो हम इस लास्ट टू जो लेटर्स है इसको हम ख़त्म करेंगे और फिर हम इसको इसके बदले वी ई एस इसमें बढ़ा सकते हैं. तो फिर ये सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो जाएगा. जैसे हम कहते हैं दिस, जैसे हम कहते हैं कॉफ, सी एल एफ, कॉफ. तो एफ पर ये ख़त्म हो गया तो इसको हम लिखेंगे वी ई एस, एफ को हम ख़त्म यहाँ पर करेंगे तो कॉव्स, कॉव्स. तो यहाँ पर हॉफ, एच ए एल एफ, हॉफ. तो इसको एच ए एल वी ई एस, हॉव्स, हॉप, हॉव्स. यहाँ पर एफ ख़त्म हो गया. उसके बाद है नाइफ, के एन एन आई एफ ई, नाइफ. तो नाइफ एफ और ई पर ख़त्म हो गया तो हम इसको कह सकते हैं नाइव्स. इसी तरह है लीफ, एफ पर ख़त्म हो गया, एल ई ए एफ, लीफ. लीफ को हम एफ ख़त्म करेंगे, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. तो लाइफ, लाइव्स, एल आई वी ई एस, लाइव्स. लूफ, लूज, एल ओ एफ, एल ओ ए एफ, लूफ, जिसे हम कहते हैं चपाती. तो लूफ को हम लूवस, वाइफ को हम वाइवस, और वुल्फ को हम वुल्वस कह सकते हैं. तो ये पहले तीन जो रूल हैं सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए. तो मैंने आज पहले ये बताया कि हम एस, किन किन वर्ड्स को हम एस बढ़ा सकते हैं. तो इसके बाद हमने रूल टू भी सीखा कि डबल एस या सी एच या एक्स पर जब कोई सिंगुलर नाउन ख़त्म हो जाए तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई और एस बनाएंगे. फिर इसके बाद हमने एफ और एफ ई, जो सिंगुलर नाउन्स ख़त्म होंगे तो हम इसको एफ को हम ओमिट करेंगे, ख़त्म करेंगे, या एफ ई को हम ओमिट करेंगे. तो यहाँ वहाँ पर हम एफ ई की जगह या एफ की जगह वी ई एस. तो इस तरह से ये सिंगुलर नाउन्स हम प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. इस क्लास को हम यहाँ पर ही क्लोज करेंगे. शुक्रिया. इसके बाद हम जो क्लास, फिर और कुछ रूल्स हैं इसके बारे में भी कल बात करेंगे. तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.